स्वागत है आप सबका आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। यह मैच नंबर 13 है। मुकाबला है यहाँ पर इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच में, जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ आप इंग्लैंड की टीम है जो फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है और बेसबॉल के नाम से भी जाने जाते हैं। सामने अफगानिस्तान है, इनको भी फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट बहुत पसंद है। यंगस्टर टीम है, डेवलपिंग टीम है, तो आपको अच्छा मैच देखने को मिलेगा, ना कि एक वन साइडेड क्लैश। अब देखें, ये दोनों टीम्स ने आज तक वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ 2 बार आमना सामना किया है और दोनों बार इंग्लैंड जीती है। लास्ट टाइम आपको लेके जाऊंगा 2019 की तरफ में। याद होगा आपको यन मॉर्गन ने क्या धोया था राशिद खान को, उन्होंने शतक पूरा करा दिया था राशिद खान की बॉलिंग के अंदर। तो लेट्स इस क्लैश के अंदर क्या होता है। अब देखें, जो कार है अहमदाबाद का आइकॉनिक वेन्यू से दिल्ली के ऊपर पहुंचा है, सपा ट्रैक होता है जेटली के ऊपर, कैसी कंडीशंस होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो, स्टूडियो के अंदर टोटल आपको 90 स्लाइड्स देखने को मिलती है, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आपको करना क्या, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरी ड्यूटी बनती है आपको बेस्ट कंटेंट लाके देना। और आप देखें, इस मैच के अंदर भी आपको करीबन 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे देखने को मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेना माय मास्टर लेन के ऊपर। यहाँ पे क्यों गिव अवे ज्वाइन करना है, गिव अवे आधे भरते हैं सिर्फ, तो आपको फायदा होगा। यहाँ पर आप इजीली गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करके कुछ पैसा कमा सकते हो। तो खेल के देखना, आपको अच्छा लगेगा। माय मास्टर लेन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। इसका फायदा क्या होता है, जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं, जो आपको पता चलती है प्री गेम शो देखते हुए, टॉस के टाइम पे कुछ आपको न्यूज़ मिलती है, कैप्टन कुछ कह रहे हो, पिच कंडीशंस के बारे में कुछ चेंजेस हुए हो, ये सब मैं आपको पोस्ट करके देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाई हुई है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी हुई है। पिच रिपोर्ट देखते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का मैदान है। इस वनडे के प्रवेश तक सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं। एक साउथ अफ्रीका श्रीलंका का पहला मैच हुआ, उसके बाद यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान का मैच हुआ। तो 2 मैचेस के अंदर आपको पता क्या हुआ था, सपा ट्रैक, एकदम चाबुक पिच लगी थी, रन बने थे यहाँ पर, और छोटी बाउंड्रीज है, ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है। तो आप देखें अभी तक क्या हुआ, स्कोरिंग पैटर्न समझाता हूँ। जो लास्ट मैच था, इसके अंदर अफगानिस्तान 272 बना देती है, अच्छा स्कोर इन्होंने खड़ा किया अगेंस्ट द हाई क्वालिटी बॉलिंग अटैक ऑफ टीम इंडिया। उसमें कुलदीप थे, शार्दुल थे, बुमराह, सिराज, जड्डू, तो भी इन्होंने 272 बना दिया। फिर आप देखो, यहां पर आती टीम इंडिया चेस कर रहे हैं, और टीम इंडिया करीबन 90 बॉल रहते हैं, 15 ओवर शेष रहते, टारगेट को चेस कर जाती, शतक आता है वहां पर रोहित शर्मा का, 131 की पारी बनाई थी उन्होंने, विराट कोहली वहां पे 60 रन के आसपास नाबाद रहता है। तो दर्शाता है जो पिच है, बहुत बढ़िया पिच होती है। उससे पहले यहाँ पे 428 बनाया था साउथ अफ्रीका ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़ा कर दिया था। फिर आप देखें, यहाँ पर श्रीलंका की टीम चेस करने आती है, कुशाल मेंडिस क्या खेला था उस गेम के अंदर, दोस्तों शर्मा का चमके थे वहाँ पे श्रीलंका। तो जो पिच है ना, ये ट्रू बाउंस देती है और बॉल बहुत अच्छी गति से बैट के ऊपर आती है। तो जो आप पिच के नीचे जो मिट्टी देखोगे इसकी, वो एकदम कड़क होती है, जो रोलर होता है उसको अच्छे से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्टेडियम के ऊपर, पिच को अच्छे से रोल किया जाता है, तो हार्ड सरफेस है, रन्स बनते हैं यहाँ पर। सपाट विकेट है, लाइक ए हाईवे। उससे पहले यहाँ पे 99 बना था, पहले जो पिच हुआ करती थी ना दिल्ली की, ये स्लो ट्रैक हुआ करता था, तो 99 बना। जो टीम चेस करने आती है वो 20 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर जाती है। 312 भी यहाँ पे बन चुके हैं, वो चेस हो गया था 42 ओवर के अंदर, दर्शाता है अच्छा विकेट होगा ये। अब देखें, इंग्लैंड इस वनडे के ऊपर पहली बार खेलने वाली है, लास्ट टाइम 2011 के अंदर खेली थी, 12 साल पहले, और उसके अंदर इंग्लैंड हारी थी इंडिया से। अफगानिस्तान इस वनडे के ऊपर एक मैच खेल चुकी है अगेंस्ट टीम इंडिया 11 अक्टूबर को, और हारी थी वहां पे। इस वनडे पे क्या ट्रेंड चला, बैटिंग फर्स्ट 3 मैचेस जीते गए, चेस करते हैं पे 5 मैचेस जीते गए पिछले 8 मुकाबलों के अंदर। जो लास्ट मैच था इंडिया अफगानिस्तान, उस गेम में 3 विकेट निकाला था स्पिनर्स ने, 1 विकेट कुलदीप यादव का था पहली पारी के अंदर, 2 विकेट राशिद खान के थे सेकंड इनिंग्स के अंदर, ईशान किशन रोहित शर्मा को आउट किया था, पेसर्स के 7 विकेट आए थे पूरे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, याद दिलाऊं, 4 बुमराह, 2 हार्दिक और 1 शार्दुल का था, सिराज उस मैच में विकेट लेस गए थे। ओवरऑल लास्ट 8 गेम्स के अंदर पेसर्स ने 63 विकेट्स निकाले हैं, पहली बारी में 32 है, दूसरी बारी के अंदर 31 है। राइट आर्म पेसर 40, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 23 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करें, 38 विकेट्स हैं, पहली बारी में 22, दूसरी बारी के अंदर 16 है। ऑफ स्पिनर्स का 14, लेग स्पिनर्स का 7, चाइनामैन का 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 12 विकेट है। तो लेट्स सी क्या होता है, अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छा स्पिन अटैक है, नाभी है उसके अंदर, आपको देखते हैं राशिद खान, मुजीब। इंग्लैंड के पास भी आप देखते हो अदिल राशिद है, तो ये बैटल है वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स की।
लास्ट मैच की पिच देखो आप, बाउंड्री डायमेंशंस भी देख लो। सामने की बाउंड्री लास्ट गेम के अंदर 70 मीटर थी, स्क्वायर बाउंड्रीज एकदम बीच वाली पिच थी है तो 63 एंड 64 मीटर्स की पिछले गेम में स्क्वायर बाउंड्रीज थी। और ये पिच देखो एकदम फ्लैट विकेट है, पिच पे ग्रास थी जो पिच को होल्ड करके रखती है, क्रैक्स को खुलने नहीं देती। ये देखो आप ऐसी पिच थी लास्ट गेम के अंदर, ये देख सकते हैं आप। और सेकंड इनिंग्स में पिच कैसी थी ये भी आपको बताऊंगा मैं। सेकंड इनिंग्स में इंडिया अफगानिस्तान के मैच में पिच ऐसी हो गई थी, ये देख लो, तभी भी बहुत बढ़िया पिच थी, फ्लैट ट्रैक लगा था देखने में, ये आप देख सकते हैं। और जब यहाँ पे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था तब ऐसी पिच थी और बाउंड्रीज देखो 61-67 मीटर्स थी, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा मैदान था। एवरेज टर्न एट डिफरेंट वेन्यूज दिल्ली के ऊपर 2.3 डिग्री टर्न देखने को मिला था पहले स्टार्टिंग के गेम्स के अंदर। एवरेज स्विंग दिल्ली के ऊपर होती है बॉल 1.7 डिग्री यहाँ पे बॉल स्विंग होती है पहले 5 ओवर के अंदर। ये स्टेडियम का व्यू है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA। और ये देखें आप ऐसा व्यू आता है स्टेडियम का, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। अगल बगल में आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जाके स्टेडियम के अंदर या स्टेडियम के बाहर। ये देखें आप, यह है स्पेशल पिच रिपोर्ट फ्रॉम दिस आइकॉनिक स्टेडियम ऑफ फिरोज शाह कोटला या अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली आप कह लो। कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे नहीं तो भाई सब सब्सक्राइब कर ले, घंटी बटन दबा दें। लास्ट मिनट जो पिचेस की फोटोज वगैरह आती हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी है। न्यूज़ कोई नहीं आ रही है, सेम न्यूज़ है, दोनों टीम्स ने 2019 से 15 के बीच में दो ही मैच खेले हैं और दोनों इंग्लैंड जीती है। इंग्लैंड की 11 की बात करते हैं तो आप देखें डेविड मलान ओपन करेगा जॉनी बेयरस्टो के साथ, जो रूट है। और अगर मैंने यहाँ पे जॉस बटलर को 2 डाउन इसलिए मेंशन करा है इस गेम में, अगर ये 3 बैटर्स बहुत जल्दी मार जाते हैं बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो जॉस बटलर अपने को प्रमोट करेगा। फिर हैरी ब्रूक है, लिविंगस्टन, सैम गरन, क्रिस वोक्स, सादल रशीद, मार्कवुड, टॉपली। अब चलते हैं किसकी तरफ, बेन स्टोक्स वापसी कर सकता है, कमाल का प्लेयर है वो। गुरबाज ओपन करेगा इब्राहिम जादरन के साथ, दोनों बहुत अच्छे बैटर्स हैं, ये टॉप 3 हेवी टीम है, इनके ऊपर बहुत रिले करती है रहमत शाह, इब्राहिम, गुरबाज। तो रहमत शाह 1 डाउन आते हैं, हजमतुल्लाह शायद ही 2 डाउन है। अजमतुल्लाह उमर से बहुत अच्छा खेले लास्ट गेम में, मेरे को लग रहा है इन्होंने अपनी जगह सीमेंट कर ली है। 3 डाउन नबी, नजीबुल्ला, करामाती खान साहब, मुजीब नवीन, फैजलुक फारूकी आपको यहाँ पर खेलता हुआ दिखेगा। ये प्रैक्टिस मैच की स्कोरकार्ड आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इंग्लैंड बैटर्स इन वर्ल्ड कप, जो रूट को वर्ल्ड कप जैसा इवेंट बहुत पसंद है, बहुत ही कमाल के क्रिकेटर हैं ये। मॉर्गन, जॉनी बेयरस्टो, इनको भी वर्ल्ड कप बहुत पसंद है, 11 मैचेस के अंदर 2 शतक 2 अर्धशतक है। ये स्टैट्स जो आपको वर्ल्ड कप के दिख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को स्टार्ट होने से पहले के स्टैट्स हैं, आप खुद देख सकते हो ईयर लिखा हुआ 2019 तक, मैंने अभी तक का ऐड नहीं किया क्योंकि अभी तो आपको पता है इस वर्ल्ड कप में क्या किया किसी प्लेयर ने, इतनी तो आपको नॉलेज होगी। बटलर 17 मैचेस में 450 रन से वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर। बॉलिंग में वोक्सी का 16 में 21, मार्कवुड का 10 में 18, वुड थोड़े से ठंडे दिखे हैं पता नहीं क्या रीज़न है, आदिल का 11 में 11 पढ़ सकते हैं। चलते हैं इंग्लैंड बैटर्स इन इंडिया, भारत के अंदर किस तरह से खेलते हैं क्रिकेटर्स। जॉनी बेयरस्टो का 8 मैच में 324 रन है और जो जॉनी बेयरस्टो का फर्स्ट टूर था किसी देश के अंदर ODI के लिए 2011 के अंदर, सर्दियों का टाइम था, अक्टूबर महीना था, उस टाइम पे इंग्लैंड की टीम आई थी भारत के अंदर, तो उसमें जॉनी बेयरस्टो को बुलाया गया था और जॉनी बेयरस्टो का 3रा मैच था इस वेन्यू के ऊपर ही, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर, अपने ODI करियर का 3रा मैच यहाँ पे जॉनी बेयरस्टो ने खेला था। तो स्टार्टिंग करियर बेयरस्टो ने यहीं से स्टार्ट किया था, कुछ 35 रन बनाए थे ये भी मेरे को याद है। जॉनी बेयरस्टो देखो आप वेन्यू के ऊपर 35 रन है, 2011 के अंदर बेयरस्टो ने डेब्यू करके यहीं पे खेला था, 2 मैचेस बाद 3रा मैच था ODI का इनका, बैटिंग फर्स्ट में 35 किया था और हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 90 रन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। रिसेंट फॉर्म अच्छा भाई का, प्रैक्टिस गेम्स में भी बहुत अच्छे टच में दिखा था और टॉप कैप्टनसी ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए। डेविड मलान, सामने होंगे मुजीब, सामने होंगे नबी राशिद, देखते हैं कैसा खेलेंगे। और नंबर्स बहुत अच्छे हैं बैटिंग फर्स्ट में, तो मास्टर क्लास प्लेयर है, लास्ट गेम में 140 कर गया था ये बंदा। अब देखें जो रूट आते हैं, डबल सेंचुरी इजिली बना सकता था मलान अगर सेट होके और थोड़ा लंबा खेल लेता, 35 या 30 ओवर के आसपास मलान आउट हो गया था अपना काम करके, तो पूरे 50 ओवर खेलता ना 250 नहीं बना देता है बंदा। जो रूट का 2 मैच में 88 रन है बैटिंग, एक बार आई थी एट टूडे में 88 किया था बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 10 रन है, ये भी 2011 के अंदर या 13 के टाइम पे यहाँ पर आके खेला था, इंग्लैंड 11 की टीम आई थी यहाँ पे जिसके अंदर क्रिस वोक्स और जो रूट खेले थे, तो 10 रन किए थे भाई ने बैटिंग फर्स्ट और 1 विकेट निकाला था 2 ओवर डाल के। वर्ल्ड कप का आगाज बहुत अच्छा है जो रूट का, 82 एंड 77 किया है इसने अभी तक।
जॉस द बॉस दो मैचेस में दो रन से बैटिंग एक बार आई है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए तीन कैचेस पकड़े हैं इसने कीपिंग करते हुए अगेंस्ट अफगानिस्तान, बहुत अच्छे फॉर्म में प्लेयर। हैरी ब्रुक हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, लेट्स सी क्या योगदान होता है। लिविंगस्टन बॉलिंग करने आ सकता है, लास्ट गेम में भी दो तीन ओवर का स्पेल था उसका, उसमें विकेट निकाल जाता है, ये गोल्डन आर्म है लाइक ग्लेन फिलिप्स, फॉर्म इसका ठीक ठाक रहा है, अच्छा प्लेयर है, बड़ी पारी पेंडिंग है वैसे इसकी। सैम गरन 11 रन एक विकेट, 14 रन एक विकेट, रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं है भाई का, खुद देखें आप 0-0, 1-0 रन 1 विकेट 0 रन 0 विकेट, तो थोड़ा सा ठंडा हुआ है भाई साहब जब से ये खेल रहा है द 100 के बाद। वॉक्सी 8 मैच में 4 विकेट और बल्ले से 1 रन है हेड टू हेड के अंदर। करेक्शन है यहाँ पर, एक ही मैच खेला भाई ने हेड टू हेड के अंदर, 1 रन है और 0 विकेट है, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हो बॉलिंग सेकंड के अंदर 0 विकेट था, या आई थिंक मैं टाइप करना भूल गया था, रिपीट कर रहा हूँ। क्रिस वोक्स का अगेंस्ट अफगानिस्तान आज तक एक ही मैच खेला, उस मैच में 1 रन बल्ले से बनाया था, पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर का स्पेल था उसमें विकेटलेस गया था बॉल सेकंड करते हुए। वेन्यू के ऊपर एक मैच में 0 विकेट है, सेम इस वेन्यू पे भी विकेटलेस गया हुआ है। आदिल राशिद 3 विकेट से हेडटूड में सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहने वाला है इस गेम के अंदर। फिर आते हैं यहाँ पे मार्क वुड हेडटूड के अंदर 2 विकेट बॉल सेकंड, पेस इस बंदे के पास, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है राइस प्लेयर का, बट लेट्स होप इस गेम में और अच्छा स्पेल डाले क्योंकि जो प्लेयर्स अफगानिस्तान के उनको पेस की आदत नहीं है, 150 के आसपास डाल लेते हैं ये टॉप लीग। ये कमाल का गेंदबाज है, लास्ट गेम में आया 4 विकेट निकाले, टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया वहाँ पे, शाकिब का बोल्ड तो देखने लायक बोल्ड था इनका, तो टॉप लीग पे नज़र रखिएगा, अच्छा गेंदबाज है और बहुत अच्छा स्विंग कराता है गेंद को इस नई गेंद से। इस विकेट पे इसका स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा है, पहले माले तक की तो उसका हाइट है, दूसरे माले से बॉल आती है इसके सेकंड फ्लोर से। स्टोक्सी 2 रन से बैटिंग फर्स्ट, मोइन अली 31 रन से हेड टू हेड के अंदर बनाया था इसने क्विक फायर कुछ 9 बॉलों के अंदर। एटिंगसन विल्ले स्टार्टिंग और टॉपली वोक्सी, नेत्र के अंदर सैम गरन माकू टॉपली, वोक्स नेत्र में ज़्यादातर नहीं दिखते हैं। अफगानिस्तानी बैटर्स इन वर्ल्ड कप, तो ये पढ़ सकते हो आप किसने क्या किया हुआ है। अफगानिस्तान बॉलर्स इन द वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान बैटर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसने कैसा क्या खेला हुआ है, इन इंडिया बॉलिंग अफगानिस्तान। गुरबाज बैटिंग फर्स्ट में 53 की औसत है, चीज़ के ऊपर 20 की औसत है, ये सेम लिटिन दास की तरह एक अच्छी पारी खेल के जा सकता है जैसे उन्होंने किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट लिटिन दास ने, क्यों गेम स्टाइल एकदम सेम जैसी है, दोनों अटैक करके खेलते हैं सेम, ये भी उसी तरह का प्लेयर है। इस वेन्यू के ऊपर 21 रन भारत के अगेंस्ट बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। इब्राहिम ज़ादरान सबसे साउंड टेक्निकल बैटर इस टीम में कोई है तो यही प्लेयर है, रहमत शाह और ये इब्राहिम ज़ादरान, ये दो सबसे टेक्निकल साउंड बैटर्स इस टीम के अंदर। 22 रन से हेड टू हेड में बैटिंग फर्स्ट करते हुए लास्ट मैच में बनाया था वेन्यू के ऊपर। रहमत शाह हेड टू हेड के अंदर 46 से चेज करते हुए वेन्यू के ऊपर 16 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए। अजमतुल्ला शायदी 76 रन हेड टू हेड के अंदर चेस करते हुए वेन्यू के ऊपर 80 रन बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो हेड टू हेड और वेन्यू के ऊपर भाई साहब इसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। नजीबुल्ला का दो मैच में 27 रन है, बैटिंग फर्स्ट 12 नाबाद, चेस के ऊपर 15 है, वेन्यू के ऊपर 2 रन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। नबी दो मैचेस में 25 रन 0 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट 16, चेस के ऊपर 9, दोनों बार विकेटलेस गया बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड। वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच में 19 रन बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट टीम इंडिया 11 तारीख को। अजमतुल्ला 62 रन की पारी थी, कुलदीप यादव को भी इसने 2-3 छक्के मारे थे ऊपर से, वी में खेलना पसंद है भाई को, अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग खैर लंबी करी तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। करामाती का 8 रन हेड टू हेड के अंदर, बहुत बुरा मार खाया था लास्ट टाइम जब इस टीम के अगेंस्ट इसने खेला था, वैसे लास्ट गेम में स्वेनी के ऊपर 2 विकेट निकाले और 16 रन बल्ले से बनाए थे। मुजीब एक मैच में 0 विकेट है बॉल फर्स्ट हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू के ऊपर विकेटलेस गया बॉल सेकंड। नवीन विकेटलेस गया लास्ट गेम के अंदर बॉल सेकंड करते हुए, बॉल सेकंड में आएगा ठीक है नंबर बॉल सेकंड के अंदर, वैन हेड टू हेड तो खेला नहीं है। फारूकी 0 विकेट बॉल सेकंड, नूर अहमद नहीं खेला, इकराम अली खेल 2019 के वर्ल्ड कप में खेला था, 3 नाबाद बनाए थे, नंबर 9 नंबर 8 पे बैटिंग करी थी भाई ने। स्टार्टिंग और फारूकी मुजीब डैतर के अंदर, फारूकी नवीन आदिल राशिद खान उमर जैबी कभी कभार आ जाते हैं डेथ के अंदर। डेविड मलान
अगेंस्ट मुजीब, 5 इनिंग्स के अंदर 3 बार आउट किया हुआ है, 26 बॉल के अंदर 15 रन्स है। ये बैटल देखने लायक होगी। नबी ने भी इसको 9 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 44 बॉल में 47 रन्स देंगे। फारूकी ने इसको 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, 2 बॉल में 0 रन देंगे। जॉनी बैरिस्टो की चर्चा करें तो मुजीब के सामने बहुत अच्छा खेला है, 5 इनिंग्स में 1 बार आउट हुआ है। नवीन के सामने 1 इनिंग्स में 1 बार आउट है, 9 बॉल में 21 रन्स है। फारूकी के सामने 1 बॉल में 1 रन है। वैसे जो अपने जॉनी बैरिस्टो है लेफ्ट आर्म पेसर के सामने स्ट्रगल करते हैं, मलान भी हल्के से लेफ्ट आर्म पेसर के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो अगर बाय चांस दिन हुआ फारूकी का तो आप इस तरह से टीम बना सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। मलान बैरिस्टो को ड्रॉप किया आपने, आपने रखा फारूकी को और आपने फिर मिडिल ऑर्डर बैटर्स पे फोकस किया फ्रॉम इंग्लैंड टीम। जो रूट, क्योंकि कंडीशंस इतनी फेवर नहीं करती फास्ट बॉलर्स को यहाँ की। अगर आपने देखा लास्ट मैच इतना बॉल स्विंग हुई नहीं थी। ये जॉस बटलर कोई मैचअप नहीं है खास, राशिद खान के सामने हमेशा रहे, लेकिन 11 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 72 बॉल में 50 रन्स है। मुजीब ने 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 47 बॉल में 64 रन्स है। फैजल फारूकी ने 16 बॉल में 23 रन देकर 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। तो राशिद खान का आपको नंबर हर जगह दिखेगा, जिसमें सबके सामने नंबर डायल किए हैं। लिविंगस्टन 12 इनिंग्स में 4 बार आउट कर चुके हैं राशिद खान, 69 बॉल में 119 रन्स है। हैरी ब्रुक वर्सेज राशिद खान बहुत बड़ी बैटल है ये, और आई डोंट थिंक हैरी ब्रुक स्पिन को इतना अच्छा खेल पाता है। युजवेंद्र चहल भी इसको बहुत बार आउट कर चुका है। तो 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया राशिद खान ने अपने हैरी ब्रुक को, 6 बॉल में सिर्फ 6 बॉल में 3 बार आउट करना है बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। वॉक्सी, नवीन, सैम करन, विल्ली, मोइन, विल्ली का और नवीन का है, दोनों आपस में भिड़ते हैं। T20 ब्लास्ट के अंदर वो लीचेस्टर साइड के लिए खेलता है नवीन। मोइन अली वर्सेज राशिद खान 11 इनिंग्स में 4 बार आउट हुआ है। इस साल IPL में भी आउट किया था पहले मैच के अंदर, जितना मुझे याद आता है 31 तारीख को मैच था मार्च में, पहला मैच GT वर्सेज CSK अहमदाबाद के ऊपर। स्टोक्सी राशिद खान के सामने फंसा है, 8 इनिंग्स में 4, नबी ने 4 में 2 बार आउट किया, मुजीब ने 3 में 2 बार आउट कर रखा है। गुरुबाज अगेंस्ट गैसटिंगसन 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, मार्कवुड ने 1 बार आउट कर रखा है। अब्राहम ज़ादरान कोई खास मैचअप नहीं है। रहमत शाह अगेंस्ट राशिद 3 बॉल 1 रन। नजीबुल्ला का भी कोई नहीं है, नबी का है क्योंकि नबी खेलते रहते हैं, 100 के अंदर भी खेलता है लंदन स्प्लिट्स के लिए। आदिल राशिद के सामने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है, 11 बॉल में 17 रन्स है। करामाती खान साहब वर्सेस टॉपली 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 10 बॉल में 26 रन देंगे। लेफ्ट आर्म पेसेस को टीम्स कैसा खेली है, बात करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की। 13 मैच में 29 विकेट दिया है, 19 की औसत है। सामने एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म पेसर है जो अलग फॉर्म में, टॉपली थ्रेट होगा अफगानिस्तान के लिए। अब देखें इंग्लैंड की टीम ने 20 मैच में 27 विकेट दिया, लेफ्ट आर्म पेसर को 42 की एवरेज है। फिर आते हैं यहाँ पर लेग स्पिनर्स, इंडिया इंग्लैंड 12 मैचेस में 22 विकेट दिया है, ये टीम लेग स्पिन के सामने फंसती है। आपने देखा भी है राशिद खान का बहुत बार मैचेस में नाम रिपीट हुआ है, तो राशिद खान को ड्रॉप तो गलती से मत करना, कई टीम्स में वाइस कैप्टन कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। अफगानिस्तान टीम अगेंस्ट लेग स्पिन 31 की औसत, 17 मैच में 21 विकेट दिया हुआ है इन्होंने। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वर्सेज, वैसे तो आपको कहीं से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन दिखेगी नहीं, ऑफ स्पिन जरूर दिख सकती है फ्रॉम बोथ द टीम्स। अफगानिस्तान अगेंस्ट ऑफ स्पिन 24 में 40 विकेट दिया, 31 की औसत है। इंग्लैंड बहुत बुरा मारती है ऑफ स्पिन को, 16 में 12 विकेट दिया मात्र। और इस मैच में 50,000 रुपये का गिव अवे, मेक श्योर यू ज्वाइन इट। और 10 लाख रुपए की लीडर बोर्ड चल रही है सिर्फ वैलिड स्टैट्स सूरज यूजर्स के लिए, तो साइन अप कर लेना माय मास्टर लिंक के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले रैंक पे आपको निंजा मिलती है, दूसरे पे KTM, तीसरे पे और एक्सट्रीम है, चौथे पे आपको TVS अपाची मिलती है, पांचवें पे iPhone 15 Plus, 10वें रैंक पे आपको माउंटेन बाइसाइकिल मिल जाती है। अभी तक जो लीडर बोर्ड है वो क्या कह रही है, पहले रैंक पे विवेक भाई है जिन्होंने अभी तक 16 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, बहुत बड़ा इसने सोशल डिस्टेंसिंग का मार्जिन यहाँ पे देखिए आप बरकरार रखा है। रौनक का 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट है, लावेश भाई का 65K है, संजीत का आप देख सकते हैं, ऋतिक भाई है, अमन है, अमय, दिनेश, नीतीश एंड अनिकेत लास्ट के अंदर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से रैंकिंग चल रही है, विवेक भाई बहुत आगे चल रहे हैं, लेट्स सी इनको कौन कम्पीट कर पाता है। अब देखें हर दिन इन्वेस्ट करने के ऊपर आपको यहाँ पे आईफोन 15 भी मिल रहा है, जो है इन्वेस्टर्स होता ऑफ द डे उसको मिलता है आईफोन 15। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो खेलिए, वरना आप वो लीडर बोर्ड वाली खेलिए जिसके अंदर 49 रुपीज़ से आपको ग्रैंड लीग ज्वाइन करनी पड़ती है। आपकी जो बेस्ट टीम होगी उसको काउंट किया जाएगा, सारे मैचेस के पॉइंट्स काउंट करके कैलकुलेट करेंगे किस किस सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं, पहला रैंक पे थार मिलेगी आपको उस पर, ऐसे करते करते आपको उसमें भी बहुत प्राइज़ मिलने वाला है।
कॉमन कैप्टन जॉनी खान साहब, अलग जाना तो सैम करन जो रूट है, मलान और लिविंगस्टन भी एक स्पेशल पिक हो सकते हैं इनका दिन हुआ तो। मलान का बस मैचअप है वरना बहुत अच्छा प्लेयर है, वो स्पिन अच्छा खेल लेता आमतौर पर। चलते हैं फैंटेसी टीम्स की तरफ। तो फिलहाल मैंने कैप्टन किया जॉनी बैरिस्टो को, वाइस कैप्टन मेरे पास आदिल राशिद हैं, वोक्सी मार्क वो टीम के अंदर है क्योंकि आप बॉलिंग ड्रॉप ही नहीं कर सकते इंग्लैंड की, क्योंकि आप ये उम्मीद करके चल रहे हो कि जो टीम इंग्लैंड की है मैच जीते और इनके बॉलर्स विकेट निकालें, तो ये फिलहाल टीम बन रही है। आपको पता विकेट यहाँ पे फ्लैट होता है, रन्स बनते हैं, तो आपको अफगानिस्तान के बैटर्स भी लेने पड़ेंगे, तो लास्ट मिनट में देखते हैं। यहाँ पे आप बैन स्टोक्स लेके जा सकते हो अगर खेलता है इस गेम में। जो रूट मेरे को स्पेशल लगा है टॉप कैप्टनसी ऑप्शन है, बैरिस्टो को कोई खास मैचअप नहीं था। मलान का बस वो है मुजीब के सामने थोड़ा सा मैचअप है, नबी के सामने, खान साहब के सामने फंस सकता है। खान साहब और डेविड मलान एक ही टीम में खेलते हैं 100 के अंदर ट्रेंट रॉकेट्स के लिए। बटलर है, इनका भी मैचअप अगेंस्ट राशिद खान। करामाती को भी कैप्टन एक्सेप्टन किया जा सकता है, लास्ट मिनट में मैं वाइस कैप्टन या कैप्टन आदिल राशिद खान को भी कर सकता हूँ। गुरबास लेके जा सकते हो बैटिंग फर्स्ट के अंदर, कोई इतना खास मैचअप नहीं है भाई का। और जो टॉपली है वो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने और डेडली रहते हैं, राइट आर्म पेसर के सामने ठीक ठाक रहते हैं, मतलब राइट ही बैटर्स के सामने। स्टोक्स ही खेले तो आप लेके जा सकते हो। इब्राहिम ज़ादरान भी टेक्निकल साउंड बेटर है। ये दो प्लेयर्स हैं ना, टॉपली को आउट करने पड़ेंगे इब्राहिम ज़ादरान को और गुरबास को। ये दोनों अच्छी टेक्निक से भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है अंधाधुंध मारता हो, गुरबास भी उसके पास भी बहुत अच्छी टेक्निक है। तो ये दो प्लेयर्स पे आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, विकेट अच्छा रहता है यहाँ का, इस वजह से जो रूट इंपॉर्टेंट, मलान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे लिए फिलहाल। रहमत शाह भी बहुत अच्छा टेक्निकल साउंड बेटर है, शायद इन्हें भी लास्ट गेम में दिखाया था क्यों इसको हाईली रेट किया जाता है। ब्रुक का मैचअप अगेंस्ट राशिद खान है, इस वजह से मैं आपको हिदायत नहीं दूंगा लेने के लिए। नबी फिलहाल तो लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका बॉलिंग से कोई खास योगदान रह नहीं रहा, बैटिंग से भी कुछ खास कर नहीं रहे। लिविंगस्टन से आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, गोल्डा नाम है ग्लेन फ्लिप्स की तरह। सैम गरन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं, फॉर्म थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। उमर जई को आप लेके जा सकते हो, ठीक ठाक प्लेयर है, बट आप आदिल राशिद के सामने उम्मीद नहीं कर सकते, वो लंबा लंबा हिट मारे। मार्क वुड के सामने आप उम्मीद नहीं कर सकते, अजमतुल्ला से के बड़े बड़े हिट मारेंगे वो। उमर जई विद द बैट फ्लॉप होगा मोस्टली। खान साहब इंपॉर्टेंट है, वोक्सी इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर मार्क वुड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस आमतौर पर अफगानिस्तान खेलती नहीं इतना, आदिल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करती है, नवीन और फारिकू को आप लेके जा सकते हो, बिकॉज आपको डेथ से कुछ पॉइंट दे जाएंगे, डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग करेंगे दोनों, वहाँ पर आपको 50-50 पॉइंट देके जा सकते हैं, एक आध दो विकेट निकाल लेते हैं। तो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, कितने बजे, दोपहर के 1 बजे मिल जाना मेरे से, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। लव यू गाइस, मेक श्योर आप साइन अप कर ले मास्टर लियोन के ऊपर, बहुत कुछ वहाँ पे चल रहा है। जय हिंद, लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग क्लैश।